ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज से करीब 3 साल पहले मुमरा के शिवाजी नगर की रहने वाली 31 वर्षीय जोहरा बी उर्फ चंदा अपनी मां सुगरा बी 65 वर्षीय से झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई थी। उसकी मां ने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की मगर लड़की का कुछ पता नहीं चला। लड़की थोड़ा मंदबुद्ध की है मगर उसके घर से जाने के बाद उसकी मां ने उसे ढूंढने की हर संभव कोशिशें की मगर कुछ पता नहीं चल सका। मगर रमज़ान में लड़की की मां सुगरा बी को एक फ़ोन आया कि आपकी लड़की दिल्ली के एक गुरुद्वारे के बाहर है, जिसके बाद लड़की की मां ने स्थानीय नगर सेवक से मदद मांगी और नगर सेवक ने कुछ लोगों को भेजकर दिल्ली से कल मुंबई वापस उस लड़की को लेकर आए। मेरा नाम सुगरा बी बबलू खान है, मेरी बेटी जोहरा बी है और 3 साल पहले मेरी बच्ची थोड़ा सा दिमाग से गुस्सा होते निकल के गई थी। मैंने 2 बार कंप्लेंट करी, मेरी कोई दरकार हुई नहीं। तभी मैंने ईद के दिन शानू पठान से मिल के मौलिया ऐसे ऐसे मेरी कहानी है, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं रह रहा, बोले आप बेफिक्र रहो मैं सब बंदोबस्त आपका कर दूंगा। और उन्होंने किया भी, जाने आने की टिकट की, वहाँ पे लोगों को भी बोल के रखे, होटल का बंदोबस्त किया। 4 दिन से हम लोग होटल में रहे, ढूंढे डांडे और आज हम लोग जहाँ पे रहती थी इसके पास फ़ोन नंबर था, तो वो आदमी ने इस पर तरस खा के इससे फ़ोन लेके हम लोग को फ़ोन किया, बोले उसकी हालत बहुत ख़राब है और आप कैसा भी करके लेके जाओ। लेकिन मेरे पास इतना गुजारा था नहीं, लड़के ने देखा और उसने मेरे को फ़ोन किया, फिर बोले ऐसा ऐसा बच्ची यहाँ पे है, आप आके लेके जाओ। लेकिन मेरे पास कोई गुजारा नहीं था, बोल के मैंने शानू पठान के पास आके कहानी बता दी। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आज वो थे बोल के और एक मुन्नी आपा थी बोल के मेरी बच्ची मेरे को मिली और एक बच्ची को मां मिली। लड़की की मां ने बताया कि मेरा नंबर उसके डायरी में था और वो डायरी जब लड़की घर छोड़कर गई थी उस वक्त उसके साथ में ही थी। उसी डायरी में नंबर होने की वजह से एक अनजान व्यक्ति ने उसके मां को इसकी सूचना दी और उसके बाद इस सूचना के आधार पर दिल्ली से उस लड़की को वापस मुंबई लाया गया और अपने बेटे और मां के साथ वो लड़की अपने घर पहुंच गई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।